और आज उसे देखिए कैसे अकेले उसने अपने आप को संभाला है। मेरे ख्याल से वो एक आदर्श नारी है। शी इज द अल्टीमेट वुमन। थैंक यू मिस सुनीता। मिस अवतीजा, नो क्वेश्चन योर ऑनर। मिलोर, मेरा अगला गवाह है मिस्टर मूलचंद गंगर। ये कहां से आ गया? पता नहीं मुझे। कौन है ये? हमारे मोहल्ले का बनिया है, मेरी इसके साथ बनती नहीं है। आपने कुछ बताया नहीं इसके बारे में मुझे? मूलचंद जी, आपकी दुकान रोहित कुमार के घर के नीचे है? बिल्कुल। फिर तो आप रोहित कुमार को अच्छी तरह जानते होंगे। बहुत अच्छी तरह। सुना है आपकी दुकान से सारा सामान उधार में ले जाते हैं? हमेशा। फिर आपकी उधारी तो चुकाते ही होंगे? नहीं। नहीं, उसके बावजूद आप उन्हें सामान उधार में देते रहे? वो तो हम सबको देते हैं। आप हमारी दुकान पे आओ तो आपको भी देंगे। क्या आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की धमकी दी थी जब इन्होंने शराब के नशे में धुत होकर आपको मारा था? अब वो तो मैं अगर आपकी पत्नी के बारे में कुछ उल्टा सुल्टा बोलूं तो आप भी मुझे मारोगे। उसका मतलब ये थोड़ा है कि आप बुरे आदमी हो। नहीं, सवाल अच्छे बुरे का नहीं है मूलचंद जी, सवाल आदमी की नीयत का है। क्या इस हादसे के बाद भी इन्होंने आपके पैसे चुकाए थे? जी नहीं। तो इन हालात में एक आदमी घर कैसे चलाएगा, अपने बच्चे को कैसे पालेगा? अपने बच्चे सुनील को? हाँ। अरे सुनील के लिए तो वो अपनी जान दे दे। वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करता है वकील साहब, उतना प्यार करता है जितना प्यार मैं अपने बेटे को नहीं करता। देखिए, पेट की आग प्यार से नहीं बुझती है। वो बाप अपने बेटे को क्या देगा जिसने अपना घर खुद ही उजाड़ा है? नहीं, घर रोहित कुमार ने नहीं उजाड़ा है, घर उजाड़ा है उसने। वो औरत ने, वो जो वहां बैठी है, उसी ने बर्बाद किया रोहित कुमार का घर। जो आपसे पूछा जाए उसी का जवाब दीजिए, फैसला मत सुनाइए। माफ करना जज साहब, मैं कोर्ट में पहली बार आया हूँ, कोई भूल हो गई हो तो माफ कर देना प्लीज। ये तो इन्होंने बुलाया इसलिए मैं आया। अब जाइए। नहीं नहीं, आपकी बात सच है, आपकी बात सच है कि जब भी रोहित कुमार ने मेरे पैसे नहीं चुकाए मैंने उनसे बहुत नफरत की है, झगड़ा भी किया है। लेकिन यहाँ सवाल मेरे पैसे का नहीं है, उनके बेटे का है। आप मुझसे पूछते ना कि वो क्या देगा अपने बेटे को। आपको मालूम है भाई, लुट गया अपने बेटे के लिए वो आज। आप जानते हैं ये कोर्ट कचहरी का खर्चा आसान होगा किरण देवी के लिए। बहुत बड़ी हीरोइन है, बहुत पैसा है ना उसके पास। लेकिन ये रोहित कुमार के लिए आसान नहीं था। फिर भी अपने बेटे को पाने के लिए उसने क्या किया मालूम है? उसने अपने सारे जीवन की कमाई, अपना सारा संगीत, अपने सब गाने अमर कौशिक को बेच डाले और वो आज उसके म्यूजिक को अपने नाम से चला रहे। और ये बात तो आपको रोहित कुमार ने ही बताई होगी। नहीं नहीं, रोहित कुमार क्या बताएं, मैं जानता हूँ। अरे मैंने सुने उनके गाने सुन सुन के मेरे कान पक गए थे। वो गाना है ना, राजा को रानी से प्यार हो गया, वो गाना रोहित कुमार का है। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.